7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था तो उसके बाद इसराइली सेना गाजा में कूद पड़ी थी और तब से लेकर अब तक ये युद्ध चल रहा है। लेकिन वेस्ट बैंक और जेनिन जैसे इलाकों में हमास और अन्य प्रतिरोधी समूह द्वारा इजरायली सेना पर छोटे स्तर पर हमले हो रहे थे, लेकिन ये हमले उतने बड़े नहीं हैं जितने 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने किए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वेस्ट बैंक भी एक दूसरा गाजा बनने जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आएगी। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो ये है कि इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कार्ट्ज ने अपने एक बयान में कहा कि वेस्ट बैंक को ठीक उसी खतरे के रूप में देखा जाना चाहिए जैसे गाजा को देखा गया। इजराइल कार्ट्ज ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इजरायली सेना जेनिन और तुलकराम शरणार्थी कैंपों में एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है जिसमें वो ईरान समर्थित आतंकियों के ढांचे को निशाना बना रही है। ईरान वेस्ट बैंक में इजरायल के खिलाफ एक पूर्वी आतंकी मोर्चा स्थापित करने को लेकर काम कर रहा है, जैसा उसने गाजा और लेबनान में किया। ईरान जॉर्डन के जरिए आतंकियों को पैसा और एडवांस दे रहा है। इसराइल के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि इसराइल को इस खतरे से उसी तरह से निपटना चाहिए जैसे हम गाजा में आतंकवादी ढांचे से निपटते हैं, जिसमें फिलिस्तीनी निवासियों को अस्थायी रूप से निकालना और जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है वो शामिल है। ये सब कुछ एक युद्ध है और हमें इसे जीतना है। आपको बता दें कि 28 अगस्त 2024 को इजरायली सेना ने नूर शम्स रिफ्यूजी कैंप और पूर्वी तुलकरेम कैंप को आगे 6 घंटों के भीतर खाली करने का आदेश दिया था, और ये जानकारी न्यूज एजेंसी WAFA ने दी थी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायली सेना ने निवासियों को कैंप खाली करने और अल मसलाख में एक सैन्य पोस्ट स्थापित करने का आदेश दिया था। हालांकि इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने इस तरह के आदेश से इनकार किया है। IDF के प्रवक्ता ने कहा कि जिन्हें छोड़कर जाना है वो जा सकते हैं। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने 28 अगस्त 2024 की सुबह ही जेनिन, तुलकारम और ट्यूबास में एक बड़े ऑपरेशन की घोषणा की थी। ये तीनों ही इलाके उत्तरी वेस्ट बैंक में हैं। हालांकि इन खबरों के बीच फिलिस्तीनी प्रतिरोधियों ने कहा कि वो इजरायली सेना की घुसपैठ को नाकाम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनिन में इस ऑपरेशन को लेकर इसराइल के सरकारी रेडियो ने कहा कि ये ऑपरेशन साल 2002 में हुए ऑपरेशन की तरह ही एक बड़ा अभियान है जिसमें इजरायली एयरफोर्स और बड़े पैमाने पर सैन्य बल शामिल हो रहा है। वहीं इजरायली न्यूज़पेपर यदियोत अहरोनोत ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वेस्ट बैंक ऑपरेशन में एक मिलिट्री डिवीजन आंतरिक सुरक्षा सर्विस शिनबेट और अंडरकवर यूनिट सेना की मदद कर रहे हैं। यह ऑपरेशन काफी आक्रामक है, इसमें हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को भी देखा गया है। वहीं इसराइल के चैनल 14 ने कहा कि वेस्ट बैंक के लिए स्पेशल यूनिट से हजारों सैनिकों की लामबंदी की गई है जो प्रमुख रूप से उत्तरी वेस्ट बैंक के शहरों को टारगेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट का कहना है कि 28 अगस्त की सुबह से IDF ड्रोन हमले में 11 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि साफ नहीं हुआ कि ये हमास के लड़ाके थे या फिर आम नागरिक।